हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ, मरकजी हुकूमत के साथ मिलके अपने मुसीबत में फंसे हुए इन भाइयों की इस मुश्किल वक्त में मदद कीजिए। अल्लाह न करे ऐसी आजमाइश किसी पे आए, कल ये आजमाइश हम पे भी आ सके। इस जज्बे से हमने काम करना है। सियासत का बड़ा वक्त है, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम सियासत भी करेंगे। अगर हम इमरजेंसी रिलीफ रेस्टोरेशन जैसे काम और स्कूलों की बहाली, स्लाइडें हटा देना, मैं समझता हूँ इस वक्त कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये काम हम नहीं कर सकते तो जो क्वेश्चन मार्क है इसके लिए हमें लायामल बनाना चाहिए, जो कमियां पेशियां उनको दूर करना चाहिए, और सूबाई हुकूमत को अपने महकमा जात की इमरजेंसी रिपेयर मेंटेनेंस या हंगामी सूरत हाल के लिए फौरी तौर पे जब फ्लड आया है और बिलखसूस अजला में जहाँ अमवात हुई हैं वहाँ फौरी तौर पर फंड रिलीज करने चाहिए। इसी पर्पज के लिए सिंध के लिए 15 अरब, 10 अरब रुपए केपी के लिए और 10 अरब रुपए बलोचिस्तान हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत ने यक तरफा तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने ये मुहैया किए हैं। और ये बिप्स के जरिए जो पैसे तकसीम हो रहे हैं मुतासरा खानदानों में, फैसला किया गया था कि हर मुतासरा खानदान को 25,000 नकद मिल जाए ताकि जो बेघर लोग हुए हैं वो अपना कुछ ना कुछ राशन और सामान खरीद सकें। अब उसमें मजीद इजाफा हुआ है। अभी मानसेरा में तकरीबन 2300 फेज फर्स्ट में जो इस वीक से डिस्पर्समेंट शुरू होगी और सेकेंड फेज के लिए 70 अरब रुपया मजीद वफाकी हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी है ताकि जो बेघर खानदान है, जो मुतासरा खानदान है, उनकी मजीद मदद की जाए और इस तादाद को बढ़ाया जा सके। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जहाँ हमारी जरूरत होगी, बिजली के हवाले से आज भी अगर किसी इलाके में कोई इशू है तो हम हाजिर हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से मेरा भाई कोई सवाल करना चाहता है, मैं उसका जवाब भी दूंगा। किसी हवाले से, वफाकी महकमों के हवाले से अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारी जमात यहाँ मौजूद है, बिला तफरीक इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे।